अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते हुए मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और कल का व्लॉग जो है वो पार्ट वन में आया, जो कि हस्बैंड ने मुझे कहा था मैं क्या आ रहा हूँ तो फिर नहीं आए, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया था। और फिर उन्होंने कहा था कि अगले दिन मैं सुबह सुबह ही पहुँचूंगा, तो अभी बस बच्चों को जल्दी से तैयार करके स्कूल भेज रहे हैं, उसके बाद मैं व्लॉग अभी फिलहाल नहीं बनाऊंगी। बच्चों को स्कूल भेजते ही मुझे जो है वो घर के कुछ ज़रूरी काम, जो कि आपको पता है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बहुत ज़्यादा घर जो है ना वो मैस मैस लगता है, हर चीज़ जल्दी जल्दी में अफरा तफरी में, बच्चों ने तैयार होना स्कूल जाना और फिर घर थोड़ा सा मैस हो जाता है। और मैंने कहा कि रमीश फटाफट अब तुम और मैं लगकर पहले सारा घर क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मुझे खुद भी रेडी होना था थोड़ा सा तैयार शेयर होकर। आज मैं हस्बैंड का रिएक्शन दिखाऊंगी और रिएक्शन जो था ना वो बहुत ही कोई फनी सा होने वाला है। आप लोगों ने ब्लॉग जो है वो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और आज जो है वो मैं हल्का फुल्का तैयार भी हुई हूँ, वो मैं फिर सब आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तैयार होना क्या मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन जो है ना वो बस आहिस्ता आहिस्ता करके ना मैंने बस कपड़े चेंज किए, फिर दिल किया जूता चेंज करूँ, जूता चेंज किया दिल किया लिपस्टिक लगा लूँ, तो इस तरह से करके जो है वो मैं रेडी हो गई थी। तो चलिए अभी बच्चे जो हैं वो चले गए, तो इनको हम करते हैं अल्लाह हाफिज़ और अंदर जाकर जो अपने काम है वो सारे करके फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से काम जो है वो किए हैं अभी। तो बच्चे जो हैं वो स्कूल से ले गए हैं, तो अभी मैंने जो कपड़े हैं वो भी चेंज कर लिए और घर की भी कुछ सफाई जो है वो कर ली है। कपड़े मैं दिखाती हूँ अभी बाद में आपको। ये देखें, बस चीज़ें वीज़ें जो हैं वो सेट कर दी थी, नीचे से हल्की सी जो है वो मॉपिंग वगैरह करवा दी है ताकि घर जो है वो गंदा ना लगे। आटा अभी मैंने गूंथ के रखा है तो वहाँ पर परात पड़ी हुई, उसको इग्नोर कर देना है आपने थोड़ा सा। बाकी यहाँ की भी सफाई जो है वो हो चुकी है। देखें भाई, खाली अपना आप साफ़ सुथरा नहीं होना चाहिए, आपका घर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, भले आपके हस्बैंड आ रहे हैं या फिर आपका कोई भी रिलेटिव आ रहा है। उससे क्या होता है ना, अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है कि बंदा जो है ना भाई वाह क्या बनती है। देख सकते हैं आप, यहाँ भी अभी सफाई जो है प्रॉपर नहीं है, बेडशीट्स आपको अभी थोड़ी सी जो है ना वो टेढ़ी मेढ़ी दिखेंगी, लेकिन क्या है कि हम लोगों ने थोड़ी बहुत सफाई कर दी, मैंने और रमीश ने दोनों ने मिल के, और आटा भी गूंथ के रख दिया है बस। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो देख रहे हैं ना आप मूलियाँ, इसको मैंने डबल डबल शापरों में जो है ना वो रैप किया हुआ है ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो फ्रिज में ना जाए। अभी इसका पानी जो है वो निकालूंगी। तो चलें अभी आपको एक दफ़ा ज़रा मैं अपना सूट दिखा देती हूँ। रमीश को मैंने बोला कि तुम वाशरूम ज़रा थोड़ा सा सही से वाश कर दो ताकि वाशरूम जो है वो गंदा ना लगे। तो ये मेरा सूट है जनाब, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये अभी जूता सोच रही हूँ चेंज कर लो, है ना, और दुपट्टे बट्टो वट है तो इसको आपने इग्नोर कर देना है। कैसा लग रहा है ब्लैक के साथ येलो, अच्छा लग रहा है ना। चले अभी जूता चेंज करती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। जूता मैं लेकर आई थी अपना एक थोड़ा सा, ये वैसे मैच तो नहीं हो रहा लेकिन चलो अच्छा लगेगा मेरे ख्याल में। तो देखते हैं इसको पहन के मिरर में कि इससे हमारी लुक कैसी आ रही है। फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है कि नहीं बताइएगा, अदरवाइज मैं चेंज कर लेती हूँ फिर बताएं, या फिर वही अच्छा लग रहा है। जूम किया है इतना ज़्यादा तो मेरे पाँव कितने मोटे आ रहे हैं। हाय हाय, बाय द वे मैं है ही मोटी, तो क्यों ना हल्की सी लिपस्टिक लगा ली जाए, थोड़ा सा तैयार शेयर हो जाया जाए, क्या ख्याल है? तो चलें। तो अभी तो फ्रेंड्स मैं बिल्कुल सिंपल सी हूँ, सोच रही हूँ कि हल्की सी लिपस्टिक लगा ली जाए, है ना, थोड़ा सा तैयार हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में। तो वैसे आप लोग बताइएगा कि अभी ठीक है या फिर हल्का सा कर लेना चाहिए। वैसे अभी तो जो मेरे बाल ऐसे ही मैंने बांधे हुए भी नहीं, खुले हुए हैं, तो चलो होते हैं हम रेडी रेडी रेडी। तो फिर आपको दिखाते हैं हम मेकअप हल्का सा करके कि आ जाओ बाल कैसे लग रहे हैं, पीछे से खुले सही हैं या फिर इनको बांध लो। चलो देखते हैं, लिप कलर थोड़ा सा डार्क सोच रही हूँ। भाई हस्बैंड आने वाले हैं, अच्छा सा तो होना चाहिए ना, मतलब बंदा थोड़ा सा डार्क लिप कलर कर लेगा तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं ब्याह पे नहीं जा रही हूँ लेकिन यार दिल कर रहा है थोड़ा सा तैयार होने का। कौन सा लिपस्टिक लगाऊं मैं,
यार ये मैं 1700 की लेकर आई थी ये लिपस्टिक, लेकिन मैंने लगाई नहीं। ये जब मैं निकाह में गई थी ना तो अपनी मैक्सी के साथ मैं ये मैच करके लेकर आई थी, लेकिन मैंने लगाई आपको बताऊं लोकल वाली लिपस्टिक थी, सस्ती वाली। और ये मैं इतनी महंगी लेके आई हूँ 1700 रुपये की, इसको मैंने लगाया भी नहीं। अच्छा वेट मिल जाए, अच्छा सा कलर, चले मैं देख कर फिर आपको मिलती हूँ। इतनी देर ढूंढने के बाद ये एक ऑरेंज सा कलर है जो कि मुझे मिला है, तो वैसे ज़्यादा डार्क तो नहीं है, तो चले ट्राई करते हैं इसको लगा कर कैसी लगती हूँ, अदरवाइज़ फिर चेंज कर लूँगी। अच्छा जी, तो पहले तो मैंने ऑरेंज कलर की लिपस्टिक लगाई थी, फिर मैंने थोड़ा सा उसको डार्क करने के लिए दूसरा कलर लगाया, लेकिन अब मुझे इतना भी लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, फिर लग रहा था कि नहीं ठीक है, फिर लग रहा था डार्क हो गया, फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, डरने वाली कौन सी बात है, हस्बैंड ही आ रहे ना तो अभी बस ये मैं हो गई थी रेडी। और अब जो है वो तैयार होने के बाद मैंने सोचा कि अभी मैं आपको एक दफ़ा फाइनल लुक दिखाती हूँ। परांदा जो है वो मैंने अभी नहीं डाला हुआ था, लेकिन जब मैंने लिप कलर लगा लिया और मैंने जब गुस्सा वुस्सा पहना तो फिर मुझे लगा कि परांदा भी जो है ना वो पहनना चाहिए, तो फिर मैंने परांदा भी अभी निकालूंगी। तो मेरी फुल लुक जो थी ना वो कुछ इस तरह की थी, अभी मैंने जो परांदे के बिना मैं दिखाई थी कि बाल खुले हुए, तो अभी देखिए कि ये इस तरह से लग रहे थे। और जो एक मेरी लुक थी ना वो बिल्कुल पंजाबियों वाली आ रही थी ऑलरेडी ही, कुछ जूते की वजह से, कुछ इस तरह दुपट्टा और मैचिंग। अच्छा मुझे कल कमेंट आया था कि आप खुले खुले प्लाजो क्यों पहनती है, तो पता नहीं क्यों मुझे शौक है ना इतना लूज लूज प्लाजो और लॉन्ग शर्ट्स और इस तरह का ना मुझे अच्छे लगते हैं, या फिर शलवार और साथ में शॉर्ट शर्ट इस तरह का कुछ बनवा लेती हूँ। जी ये मेरी फुल लुक थी, उसके बाद परांदा पहनने के बाद आप बताइएगा दोनों में से कौन सा सही लग रहा था, पहले परांदे से पहले या परांदे के बाद। अभी सोच रही हूँ मैं कि एक मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही है वैसे काफ़ी टाइम से, पंजाबी खुसा तो पहना हुआ ये और लुक भी जो है वो हल्की हल्की पंजाबियों वाली आ रही है, तो क्यों ना ट्राई किया जाए परांदा भी, वो भी येलो, ऐसा ना हो कि मेहंदी वाली लुक ही आ जाए सारी। हस्बैंड ने भी आकर यही बोलना है तू ब्याह चलनी है इन्ना तैयार श्यार होके, तो चलो ट्राई करते हैं।
तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, ठीक है। कैमरा ना मैं कहीं पे छुपा दूंगी, तो आसिफ का हम रिएक्शन जो है वो चाहिए। यार ये क्या लग रही है मैं, एक मिनट, लाइट सही नहीं आ रही इसकी। तो फ्रेंड्स, परांदा मुझे वैसे डालना आता नहीं है, तो वैसे जिनको डालना आता है तो प्लीज़ मुझे कोई बातें ना करिएगा, मुझे शौक बहुत ज़्यादा है लेकिन मुझे परांदा करना नहीं आता है। कैसे डालते हैं बालों में मुझे ये नहीं पता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं हस्बैंड के आने पे इतना रेडी तो हुई हूँ, अब उनका हम रिएक्शन भी चेक करेंगे वो कैसे। कैमरा जो है वो मैं कहीं पे छुपाऊंगी और उनको फिर देखेंगे कि वो जब इतना प्यारा अपनी बेगम को तैयार हुआ हुआ देखेंगे तो उनकी जो रिएक्शन है वो कैसा आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे स्मार्ट है, पतला है, स्लिम है, वहाँ पे मोटा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने सुन लिया ना कि ये कैमरा जो है ये मुझे मोटा भी दिखाता है, और ये जो बाजू का डिज़ाइन है ना, ये टेलर भाई ने यहाँ तक जो है दुपट्टा इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि शायद ये ले या ना। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड आते हैं तो कैमरा छुपाते हैं कहीं पे, तो फिर उनका जो रिएक्शन होगा, एक मिनट आ जाए यहाँ पे ना अच्छे से यहाँ पे देखो। तो ठीक है, कैमरा हम छुपा देंगे कहीं पे, तो उनका जो रिएक्शन है ना वो हम चेक करेंगे कि उनका रिएक्शन कैसा होता है, ठीक है। पीछे से कैसा लग रहा है मुझे देखना, तो मज़े की बात ये है कि इतना रेडी हो रही हूँ मैं, और अभी जैसे ही हस्बैंड आ जाएंगे किचन में जाना है, कपड़े चेंज कर लेने हैं, अपनी लुक में आ जाना है, क्योंकि ये ब्लैक कपड़े हैं तो अगर रोटी बनाऊंगी आपको पता है सफ़ेद सफ़ेद आटा लग जाना है सारा, तो फिर से अपनी वही हालत में आ जाना है, और फिर बनानी है रोटियाँ, वो भी मूली वाले पराठे बनाने हैं आज, क्योंकि हस्बैंड जो है कल इन्होंने आना था। क्या लग रहा है, तो सुरमा तो मैंने लगाया नहीं है, तो इनमें कह रही है आपने सुरमा लगाया है, मैंने जस्ट लिपस्टिक लगाई है, वो भी थोड़ी सी मुझे लग रहा है डार्क हो गई है। नहीं नहीं, प्यारी लग रही, प्यारी लग रही, बहुत ज्यादा डार्क कलर। और इनमेश को डार्क कलर वैसे ही पसंद है, वो भी खासतौर पे लाल कलर। अरे हे, इतना लगाती है कोई लाल कलर की लिपस्टिक, वो कहाँ है जो तुम्हारे पास लाल कलर की। हर चीज गांव में छोड़ के आ गई है, हर चीज गांव में छोड़ के आई है, यकीन करे ये वहां से आई ना तो सिर्फ अपना आप उठा के लेकर आई है, वो भी पता नहीं कैसे। मुझे लग रहा है ये भी बाजू छोड़ के रख देती, टांग उतार के रख देती, मतलब कि कुछ ना कुछ वहां छोड़ा ना था, अगर ऐसा कुछ होता ना, नट शट लगे हुए होते। तो है फ्रेंड्स, बातें जो है हम बाद में करते हैं, अभी हस्बैंड जो है आने वाले, टाइम हो गया है क्या, पौने दस हो गए, ठीक है। तो पौने दस हो गए हैं, तो हस्बैंड जो है वो आने वाले हैं, उन्होंने मुझे 9:30 का बोला है, अभी फोन आया है, तो चलें अभी हम मोबाइल जो है वहीं छुपाते हैं। अल्लाह हाफिज़। अच्छा तस्वीरें बना ले।
कुछ भी नहीं आपी। मोबाइल क्यों ऑन किया? वैसे ही आपी। अच्छा आपी, अल्लाह आपी, आप कैमरे में इतनी मोटी क्यों? यार आपी, आपने चोटी की हुई है। क्यों ये ऐसी चोटी करते हैं? सही नहीं लग रही है? आपने कभी चोटी नहीं की? पूरी खुली हुई है यार। वैसे तो ऐसे तो डालते हैं। ऐसे नहीं डाल देना, अम्मी किसी और तरह डाल दिए। ऐसे नहीं डाला हुआ, सही है। ये देखिए पूरा खुला हुआ भी है। तो यहाँ से पता नहीं समझ नहीं आ रही क्या करना है। यहाँ से उसके एक के अंदर डालते हैं ना, यूं नहीं मानते हैं। एक है ना इसके अंदर डालते हैं, इसको खोलो, इसके धागे जो है ना खोले। इसके धागे? नहीं, ऊपर ऊपर ब्लैक वाले के। अच्छा ये। हाँ जी, इसके अंदर डालते हैं। रहने दे, उल्टे काम करो यार। ऐसे तो माशाल्लाह पे सब कुछ भी सूट करते हैं, लेकिन ये जो खुला हुआ है ये बहुत ही कोई ना मोटी आ रही है, बहुत ज्यादा। वैसे आप इतनी मोटी हैं नहीं जितनी मोटी आप आ जाती है कैमरे में। यार इस कैमरे की सेटिंग करवानी है मुझे शायद। नहीं, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ज्यादा। अब पतली लग रही है लेकिन कभी कभी मोटी लगती है कैमरे में। हाँ वैसे तो बहुत पतली है। अब देखते हैं तेरे भाई का रिएक्शन अभी आने वाला है ना। तो वैसे तो फोन आया अभी। तो इर्मिश मुझे कह रही है कि आपने परांदा बिल्कुल सही से नहीं पहना हुआ, मोटी लग रही है, ये हो गया वो हो गया, मतलब कि कीड़े निकाल रही है मुझ में। आप देखिए जरा मैंने परांदा सही नहीं डाला हुआ क्या, है ना? कितना अच्छा डाला मैंने, देखे कितना अच्छा परांदा डाला हुआ मैंने। अब मुझे बातें कर रही है, देखे जरा ये देखे कितना अच्छा लग रहा परांदा मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे माशाल्लाह बोले, जितने भी यूट्यूबर है सारे माशाल्लाह बोले। यूट्यूबर या व्यूअर्स? हाँ, इतने प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स हैं। तुम्हें क्या पता हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। चलो भैया फंस बनाने वाले हैं, बहुत हो गया हंसी मजाक। अब तो फ्रेंड्स, इतना तैयार होने के बाद एंड पे ये जो मूलियाँ आप देख रहे हैं, इनका शापर मैंने अभी खोला ही था। जैसे ही हस्बैंड आए हैं तो फिर उनको जो है वो स्मेल आई, तो वो अंदर इंटर होते ही कहते हैं इतनी गंदी स्मेल आ रही है। तो मेरा मुंह एकदम लटक गया कि मैं इतना तैयार हो रही हूँ, और मुझे मौलवी की वो बात याद आ रही थी जो कहते हैं कि जब भी आपके शोहर घर आएँ तो आप अच्छे से तैयार हो, अच्छा से सूट पहने, खुशबूएँ आनी चाहिए, ये वो। तो मैं इतना रेडी हुई तो मेरे हस्बैंड आते ही कहते हैं इतनी गंदी बू आ रही। तो यकीन करें मेरा तो मुंह ही लटक गया वहीं पर। मैंने कहा है बदबू, उस टाइम तो मेरे जहन में नहीं था कि मूलियों की, क्योंकि हम लोग तो घर के अंदर थे ना, तो ये बाहर से जब अंदर आए तो इनको मूलियों की ज़्यादा ही कुछ स्मेल आई थी। तो खैर हो जाता है कभी कभी इस तरह से भी। तो वो फिर खैर बाद में जब इन्होंने देखा कि अब कैमरा ऑन है, तो अब इन्होंने कहा कि ओहो, फिर मैं भी हंसी, ये भी हंसे। तो फिर खैर ये था कि वो मूलियों की, तो मैंने भी जानबूझ के, मैंने कल के व्लॉग में आपको कहा था ना कि मैं भी जानबूझ के मूलियों के पराठे खिलाऊंगी इनको। और मूलियों की अक्सर स्मेल जो है ना वो किसी किसी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मूलियों के पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बस मैं भी यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि मूलियों के पराठे जल्दी से बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भूख लगी हुई थी। वो आए थे, रात का सफ़र किया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा जल्दी से मुझे जो है वो पराठे बना दो। तो वो भी लगे हुए हैं साथ ही यहाँ पे, क्या कर रहे थे मेरे साथ, चाय शाय वो बनवा रहे थे, हेल्प करवा रहे थे मेरी। और उन्होंने कहा कि मैं जल्दी से जो है तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ, चाय बनवा देता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बैठ कर जो है दोनों नाश्ता करेंगे। तो मूलियों के पराठे बस यहाँ पे रेडी हो गए मज़ेदार से, नाश्ता जो है हमारा बन गया। तो शाम के खाने में क्या है, मैं सोच रही हूँ कि वो जो तिक्का की रेसिपी थी जो कल के व्लॉग में कुछ शेयर की थी, अब इसके व्लॉग में करूँगी तो वो फिर आधी आधी हो जाएगी। तो वो मैं एक ही करके ना पूरी रेसिपी अलग से शेयर कर दूँगी, ताकि आपको समझ भी आए और अच्छी भी लगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है, मूलियों के पराठे बनाए हैं जिन्होंने जो है वो मूलियों के पराठे मैंने अभी डब्बे में से जैसे निकाली है ना, तो उधर से हस्बैंड आ गए तो एकदम से उनको आई स्मेल मूलियों की। सारे नुकर जी पता
मेरा आंदी इस्तकबाल मूलियां दी खुशबू दे नाल होया सी। मुझे गुस्सा आया था कल, आपने पहले कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो फिर आपने जो है वो बोल दिया कि मैं नहीं आ रहा हूँ, वो धोखा दिया आपने मुझे। और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे आप आए हैं, तो ब्लॉग मेरा चल रहा है, कंटिन्यू है अभी भी, पार्ट वन पार्ट टू में जाएगा। वो गाना नहीं है, जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखरी हो मेरी जिंदगी का, ऐसे थोड़ी ना गाकर बंदा गा। अरे धोखा देने वाली गल कोई नहीं है। मैं जिस दिन बुला नहीं 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 तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखरी हो मेरी जिंदगी। ये देखे नाज़रीन, नान के ऊपर मनी नान पुट्ठा हो गया, शामी थले नान उत्ते। तो मैं मास्क के बिना जो है वो अच्छी लग रही हूँ, या मास्क के साथ? क्या मास्क भी लूज हो गया वैसे, मैं पहले मैं ऐसे आती थी, कैसी लगती थी ऐसे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, एवरीथिंग है ना। तो पहले मैं ऐसे आती थी, अब जो है वो मैं ऐसे आती हूँ। तो कौन सा स्टाइल ठीक था, बिना मास्क के या मास्क के साथ? कौन सा स्टाइल बढ़िया था मेरा, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़। तो अभी फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ ज़रा बाज़ार, और हस्बैंड भी आ गए हैं, उनका तो नाश्ता वास्ता हो गया था, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, उनका भी नाश्ता कर लिया था। और सारे काम हो जाने के बाद अभी ज़रा काम से जाना था बाज़ार, तो मैंने कहा ज़रा बाज़ार का चक्कर लगाऊँ, क्या लेकर आऊँगी क्या नहीं, आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी के लिए ये वाला व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड कर रही हूँ, तो मिलूंगी फिर नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।